आपा क्यों खोते हैं सरकार, अब शब्दों से क्यों है प्यार, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। सीधे रामकृपाल जी का रुख करूंगी और सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, रमेश भिदुड़ी के संसद के भीतर अमर्यादित बोल और साथ ही साथ मुस्लिम विरोधी बोल, इसका सियासी नफा नुकसान या सियासी गुणा गणित वो किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसको इन भिदुड़ी जी की किसी भी बात को डिफेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी और संसद दोनों उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, बिल्कुल, ताकि आगे भविष्य में रहे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं, जो वोट और राजनीति से उठ करके ऐसे ऐसे जहरीले बोल बोलने की, नहीं वही कह रहा हूं, बिना सोचे कि कहां खड़े हुए हैं, कहां खड़े होकर बोल। दूसरी बात, एक लाइन कहूंगा, इस देश की एवरेज जनता जो कि बहुत बड़ी संख्या है, वो कुछ चीजें ऐसी है जिसको मानती है कि लक्ष्मण रेखा के बाद की गई हैं, उससे नुकसान होता है ऐसे नेताओं का, फायदा कभी नहीं होगा। ये मेजॉरिटी जनता जानती है कि हमें जीना हमारी साझी संस्कृति है, हम जीते आए हैं और आगे भी हमको जीना है। तो इस तरह के लोग जो बिल्कुल ये इस तरह का बयान देते हैं, इनको मत मानिए कि इनके फॉलोवर रहेंगे, इससे पार्टी का नुकसान हो सकता है, इनका भी, इनका भले ये वोट जीत जाए, सकारात्मक संदेश जाएगा अगर इन पर एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए हम हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि इन पर एक्शन लीजिए सरकार, ये हिंदू मुसलमान का खेल बंद हो, ये छोटे से चुनावी फायदे और नुकसान के चक्कर में देश का बड़ा नुकसान मत कीजिए। यही अपील एबीपी न्यूज की तरफ से हम करेंगे। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, उस लोकलाज का लिहाज सबको रखना चाहिए, खासतौर से उनको जो संसद में बैठते हैं, उनको तो इस बात का और कहीं ना कहीं पास रखने की जरूरत है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।